फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहिनी मोनी कुकिंग। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही यम्मी स्टिकी राइस से बनी हुई बर्मिस ट्रेडिशनल फूड, जिनको आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और स्नैक टाइम पर भी खा सकते हैं। मोनी आंटी ने सीठ में पावनी ले उपयोग यादवा माफी पा रहे ना ढासो ही वीडियो ले उची लाई चाहे आओ ना, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले 1.5 कप स्टिकी राइस को एक बोल में ले लिया है। अब हम इसको अच्छे से वॉश करके 15 मिनट के लिए सोक करके रख देंगे। उन्हीं अरे माँ नो सी बूट भूख हुए कम ऐसा हो लाई बारे ना तू होते छा से भी रो संगाम ने लाओ ये सिंह लाई बा में ना। हमें इस तरह से सोक करके रखना है कि पौजाली संघा लाई बा में ना। जब तक ये सोक होता है 15-20 मिनट तक हम दूसरे चीज़ों की रेडी करते हैं। तीनों संगाम ने मिनी नशे लाओ सेंठा रहो माँ नाव सेंते पियें से याशी आ रही पिए आओ ना। ये मैंने 2 बड़े साइज के छिले हुए प्याज लिए हैं कि माँ चतोनी नन्हे साइज ही रहा बोनो ना लॉन्ग लॉन्ग वो नहीं उठा पा रहे। एक को हमें बिल्कुल तीन स्लाइस में स्लाइस करना है। एकदम पतले स्लाइस में हम काट देंगे। ये हो गया, अब हम इसको अलग रख देंगे छपी हुआ भी तो वो तत्ता ढालाई बा में ना। और हम इसको थोड़े से थिक स्लाइस में कट करेंगे तो वो चारो नन्हे ठुठूले फैलाई बा में ना। तो ये ले रहे उठा ठो लाई बा इसको हम नॉर्मल ही कट करेंगे तो वो अलो मठू मपा ले फैलाई में वो ना। इसको भी हम अलग से रख देंगे तो लेता तब ढालाई बा में ना। और अब हमें कोकोनट को ग्रेट करके निकालना है औंदी छिलाई बा में ना। ना उसे दिया मांगा इस तरह से से हम कुछ जरूरत होने भर हम ग्रेट करके निकाल देंगे। लो अदला वो ओंगी छिलाई बा में ना। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो वो बिना कोकोनट के खाएंगे तो बेस्ट रहेगा। तो ये तो योग आशीर्वाद हुआ रो ओंगी उठे भी रो मसाते बाहु ना ओंगी उठाऊं भी रो सारा काम बाहे। ये मैंने 1 कप जितना कोकोनट को ग्रेट कर लिया है। मुनी अनिमा ओंदी ओ खटखवा साला छिलाई बावी ना। उसके बाद अबे हमें और चीज़ों की रेडी करने हैं, मगर हम लोग पहले चावल पकाने की रेडी करते हैं क्योंकि चावल को सब किया हुआ 20 मिनट तक हो गए हैं। ना उठे असेंते पियें से यारी रोशी बांधी रहे टमे साउ संघा रामी ने नशैला उसी तो आ भी टुआ छिटे टुआ साउ ये छपो लग लाई बाहू में ना। हम पहले चावल को पानी में से निकाल देंगे सौ ये रे आने से ठौलाई बा में ना किलो सगा लेने से लाई बा में ना। इस तरह से मैंने स्ट्रेन कर लिया है। आपको जिसमें पकाना है वही पैन ले लें और गैस ऑन करके हम इसमें 1/4 कप करीब 1/4 कप तेल डाल रहे हैं। छमे ओ ढेमा बे बोनो सिया खोने ले बोंग डबोंग लाउठे बारे तांडे ठूले यूलो या बारे नो। आप मोटे तले वाली कोई भी कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं जिसमें हीट ज़्यादा आए। और जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो ये हमने जो 3 स्लाइसेस में कटे हुए प्याज है वो ऐड कर देंगे। सिनने पू भी सोए पपा ले ली ठारे चतों ठे पियो चौबा में ना। इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है तो उसमें न्यू याऊँता ना रहे थी चौवा मावा ना।
घी ने सोया बाबिनो, ये अब हो गया है तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसको टेक आउट करेंगे। पीतू सेट हो लाए बा मैनो, ये मैं इसको टिश्यू पेपर में निकाल रही हूँ क्योंकि इसकी जो अधिक तेल है वो टिश्यू पेपर अब्सॉर्ब कर ले। टिश्यू पेपर पर माठा उठा पोने रह सी रहे हो टिश्यू पेपर सौलाई आऊँ लोग बनो। हम इसमें से थोड़ा सा तेल निकाल देंगे, सीनेने न्या लो सीनेने खठौलाई बा मैनो, करीब एक डेढ़ चम्मच हम तेल को निकाल लेंगे, फिर गैस ऑन करेंगे। गैस में वो प्याज फें पी रो, ये जो हमने नॉर्मल कट किए हैं वो प्याज को ऐड कर देंगे। चतों मठू मपाप छठा रहे चतों ले रहे उठे लाए बा मैनो, इसको हम ज़रा सा गोल्डन होने तक ही फ्राई करेंगे। तो उन्हें ले सोयांगता ना रहे ठीक है चौमा बानो। इस स्टेज पर हम आधा टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, किलो सोयांगले ताना भी सोलो शें सनवे यो लफे जो ने टवा ठे बारे नो। फिर हम इसमें जो राइस ऐड करेंगे जो हमने स्ट्रेन किए हैं, क्यों आए जैसे ठारे काम ये सा उठे बारे नो, और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये तो तेछा ना सा हूँ इलाई बामे नो, करीब दो तीन मिनट हम इसको मिक्स करेंगे। हमने तो मैंने लाभ तो उन्हें सा हुई बा मैनो, दो तीन मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें आधा टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। नमने तो मैंने हुए भी रहना हुआ सब वह जो ने तो वह सा उठे बारे नो साथ है भी हुई बा में नमक डाल के हम फिर से मिक्स करेंगे, और हम इसमें आधा टेबल स्पून चीनी भी ऐड करेंगे। पी जब वह जो ने उलेठे बा में नो, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें करीब एक कप तक पानी ऐड करेंगे। ये वो खन है टकवाला उठे बा में नो, पानी को जैसे ज़रूरत होगी हम ऐड करेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने एक कप डाला है और हमें इसको सॉफ्ट होने तक पकाना है। जे उलवा दलो प्याज ठे बा में नो अबुआ रो खने टकवा ठे ठा बा रे तो नु ई तो आओ पेवा मावा। इसको हम ऐसे बराबर कर देंगे, तो वो डिलो नी ने आऊं फ्यान पी रो फ्लेम को मीडियम हाई ही रखेंगे। मी आओ ले भी ओ मीन ठा बा में नो, फिर हम इसको ढक देंगे करीब पाँच मिनट के लिए ढक देंगे। गामने ला उफों उठा लाई बा में नो, पेबियो गोले असेंदी पियन ढाबा में नो। ये स्टीम किया हुआ व्हाइट पी है, इसको भी हमें रेडी करना है। यहाँ बर्मा में तो ये रेडीमेड मिल जाता है, आप ये ना भी ऐड करें तो करेंगे तो चलेगा, मगर व्हाइट पी आपके पास है तो आप इसको स्टीम करके बना सकते हैं। अभी करीब दो मिनट ही हुए हैं, मैंने चेक किया तो पानी कम लग रहा है और पानी ऐड करेंगे। नमने लाओ बैसी बाँधे रहे नो ये नह रहे थे लो, करीब आधा कप हम और पानी ऐड करेंगे। ये वो खुआ नेटवा लाउ उठे बारे, और फिर से हम इसको ढक देंगे। दो तीन मिनट ढकने के बाद हम इसको एक बार चला लेंगे। नमने तमने लाओ पीरोशी है वो अच्छा लाओ क्या मुइलाई बामे नो, अच्छे से मिक्स करके हम फिर से ढक देंगे। कुछ साये अने ठा उची पी रो ये लुआ ये लुआ दलू ठे वानो, आप अपने राइस के ऊपर डिपेंड होता है कि पानी कितना ज़रूरत होगा, आप अपने राइस के हिसाब से पानी को जैसे ज़रूरत हो वैसे ऐड कीजिएगा। जब तक ये पकता है हम और एक चीज़ की रेडी करते हैं। तो वो चने रहूँगा ना सेंते पियाँ आऊँ और आगारो न ठाऊँगा, ये यहाँ रेडीमेड मिल जाता है रोस्टेड तिल है, आप कच्चे तिल को भी फ्राई कर सकते हैं। हमें इसको और सुगंध आने के लिए फिर से फ्राई करेंगे और नमक थोड़ा सा डालकर मिक्सी में पीसना है। तो नाउ ठा मुए दो आऊँ
ठे ओ मा प्यान लो पी रो सान ने ले ठे पी रो ये ने आओ मिक्सी मा चई लो ले या बारे ठाउ लो ले या बारे नो। 2-3 मिनट ढकने के बाद हम फिर से चेक कर लेते हैं, नमने तो मने औ पी रो प्यान भी से लाई बा में नो। ये बहुत अच्छे से पक रहा है, कटोले नुमने बाबी नो। और ये मेरे अंदाज से तो ये अभी 2-3 मिनट में हो जाएगा। मुनी खा मैं आया रो नमने ना नमने तो मने लाउस वही डो डा या बाबी नो। अब मैं इसको फिर से ढक देती हूँ और दूसरे गैस पे रखती हूँ। तो फम ओ पी रो ना गैस तो खूब पमा तू वो शुए लाई बा में नो माखने और लो माथे पारे। मैं यहाँ पर तेल को फिर से रोस्ट करती हूँ। तिल को ज़रा सा फिर से रोस्ट करते हैं। ना उपयान लौलाई बा में नो थोड़ा सा ब्राउन हो जाने पर हम गैस को बंद कर देंगे। ना ने ले न्यूले तांगा भी मुई ला भी सोएं गैस मी वो पही लाई बा में नो। अब हम इसमें आधा टीस्पून नमक को ऐड कर देंगे। लफे जो ने टवा को साथ है लाई बा रे नो। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके मिक्सी में पीस लेंगे। तो अबूते छाम हुए पी रो मिक्सी मावे चाइटा फिर फिर सोने ठाउ ना बे फिर फिर लग लाई बामे नो। इसको बस ज़रा सा क्रश करना है, फाइन पाउडर में पीसना नहीं है। नन्हेली चे यंग ले ठाउआ मावा नो लंगवा न्यान यंग ठाउआ मामा हो बाहु। अब हम राइस को इस तरफ ला देंगे। दीपा गोशुई लाई बामे नो छे नेची लाई बामे। इसको अब हम चेक कर लेंगे। तो वो नू ई बिला चा बिला टच्छा लावसान ची में ना ये अब अच्छे से पक गया है। तेछा नू ई नहीं आउचा तो आ बावी ना ता सो ए जो चाइट है दूरे डुआ जो लोग बामे ना जो मचाइट है दुआ रो डी छे ने मा ओंदी नैन लो ठाउ चतो नीचो पैर यो उठे बीरो सालो या बावी। हम इसको नीचे की साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। वो थोड़ा हार्ड और क्रिस्पी होता है, उसका अलग ही टेस्ट होता है। किसी को पसंद आता है और किसी को नहीं। तो जिसको पसंद आता है उसके लिए हम बना सकते हैं। मेरे घर में सब लोग पसंद करते हैं तो मैं अभी वो कर रही हूँ। ये करते वक्त हमको ढक्कन ढकने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग नहीं रहूँ अफाऊँ उसे हम लोग आऊँ ना। और जिनको वो पसंद नहीं है वो अब इसमें जो व्हाइट पीस स्टीम किया हुआ व्हाइट पीस है, कोकोनट है, और ये रेड ऑनियन जो हमने फ्राई किए हैं, और ये क्रश किया हुआ तिल है, वो सब ऐड करके आप खा सकते हैं। हमें ऐसे साइड में कर करके पकाना है। लो बेले उछुए छुए पी रो केम्पे बानो। जो लौटे खामा भेमी आ चीची ने लौआ मा बानो। इसको बनाते वक्त हमें फ्लेम को एकदम हाई रखना है और ब्राउन होने तक पकाना है। हम इसको थोड़ी देर बाद चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने अलो सिची वो नो डिलो ले इतना भी रो सिची लो या हमारे इस तरह से देखकर आप चेक कर लें। जब आपके मन पसंद हो तो आप स्टॉप कर दें फायर को। कोसई चाहिए आप इसो मी वो पहला ही वो नो। आई थिंक मेरा तो अब डन हो गया है। मैं गैस को बंद करती हूँ। मुनी आरो यहाँ बीठे मारे नो गैस मी हो पहला ही बामे। अब हम इसको हाफ करके पलटते हैं। तू वो टवा खोए पीरो माला बामे नो इस तरह से कर लेंगे। वाओ ये बहुत अच्छी से बन गया है। यहाँ वो काम मारे नो अटोबा आवे नो।
नाउ टफा गुलैची चिया, दूसरे साइड्स को भी हम देख लेंगे। ये भी बहुत अच्छे से, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आया है इसका। अब हम इसको साफ करने की रेडी करते हैं। ये मैंने रेडी कर लिए हैं। आप अब इसमें अपने पसंद के हिसाब से ये नारियल और तिल और ये स्टीम पी और ये रेड ऑनियन फ्राई आप ऊपर से गार्निश करके आप खा सकते हैं। तो सब ठासोए सब उठवा असेंते तेलाई बाबी नो मिमी सही चाय ओम दी ने ठाउं पे भी सीजा को चाय दूर ठे सान नहीं बारे नचाव गुले ठे सालो नचाव को गुले ठे सालो या बारे नो ठासोए आलों पे टटा बाय बाय सी यू टेक केयर बाय। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। नाउ वीडियो टकू माफ़ी आसाम या आऊ ना।